धंधा बना था ये हमें बहुत खुशी हुई थी क्योंकि हमारा धंधा भी डबल हो जाएगा क्योंकि बाहर से बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, उससे हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारा धंधा बड़ा। पश्चिमी राजस्थान के सांचौर जिले से मैं आपको आज खबर दिखाने जा रहा हूँ। जिले के सीमांकन को लेकर भूमि आवंटन और कई जगह चिन्हित की जा रही है, लेकिन इस खबर को देखने से पहले शेयर जरूर कीजिएगा, ये खबर आपके काम की भी हो सकती है। मैं इन व्यापारी यहाँ आज विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। सांचौर जिले की सीमांकन को लेकर कई जगह भूमि आवंटन चल रहा है और उसका विरोध करने भी कोई व्यापारी पहुंचे हैं। हो सकता है इनकी क्या मांग है और कौन सी जगह को ये लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इनसे बात करके आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि सांचौर की सब्जी मंडी PWD रोड से आगे हाईवे पे स्थित है, उसके बारे में आप भली भांति जानते ही है, लेकिन इन व्यापारियों के साथ अब कोई अनहोनी होने जा रही है। वहां पे जिले के कार्यालय स्थापित होने वाले हैं, वहां पिछले 3 से 4 दिनों तक सर्वे भी चला है और अब ये व्यापारी ज्ञापन लेकर यहाँ OSD कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी सब्जी मंडी की जगह कोई कार्यालय आवंटित नहीं हो। हम लंबे वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं। अब मैं व्यापारियों की से बात करने की भी कोशिश करूंगा। ये अब विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ OSD कार्यालय पहुंचे हैं, तहसील कार्यालय भी पहुंचे थे, क्या पूरा मामला है? सर, हमारे मंडी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये आवंटन किए कई साल हो चुके हैं, जो हम कम से कम 12 से 13 वर्ष से हम यहाँ धंधा कर रहे हैं और किसानों का माल आ रहा है उसको हम विक्रय करके कमीशन पर विक्रय कर रहे हैं, जो हमारी आड़त हुए। फिर हम अभी अचानक जो कलेक्टर ऑफिस निर्धारित चिन्हित कर रहे हैं उसके लिए हमें बड़ा दुख है कि हम सभी व्यापारी कहाँ जाएंगे, हमारा धंधा यही है और दूसरा कोई धंधा नहीं, कोई हमारा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कलेक्टर साहब से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहते कि ये जगह सांसर में और बहुत सारी पड़ी है, वहां पर शिफ्ट की जाए, न कि हमारे गरीबों के पेट पे लात मारी जाए। इसलिए हम सब गरीब व्यापारी कहाँ जाएंगे, इसलिए श्रीमान जी से यही निवेदन है हमारा, कहीं दूसरी जगह ये SOD मतलब कलेक्टर ऑफिस स्थापित की जाए, हमारा ये गुजारिश रहेगी। हम सब गरीब आदमी है और आखिर में हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, बनी कोशिश तो हम सड़क पे भी आ जाएंगे और मरने के लिए तैयार रहेंगे। अब इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हावलाकार भी कर रहे हैं कि वह हम कार्यालय स्थापित नहीं होने देंगे। इधर जब जिला बना था आप में भी काफी खुशी थी कि हमारी सब्जी मंडी भी फले फूले। हाँ, जिला बना था ये हमें बहुत खुशी हुई थी क्योंकि हमारा धंधा भी डबल हो जाएगा क्योंकि बाहर से बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, उससे हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारा धंधा बड़ा और बढ़ेगा, इसलिए वो खुशी बहुत थी। लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टा हो गया, जो स्थापित कर रहे हैं कलेक्टर ऑफिस, और पूरा दुख हो रहा है, बहुत बड़ा दुख हो रहा है। आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस या कोई कार्यालय स्थापित होने जा रहा है? वहाँ पर चेकिंग करने के लिए तहसीलदार की गाड़ी आई थी, हमें अनुभव हुआ कि ये कुछ हमारे लिए खतरा बन रहा है। व्यापारियों को माइंड तो वैसे ही तेज चल रहा है और आपने अनुमान ही लगा लिया कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, अलग होने वाला है। और भी कई व्यापारी है, उनसे भी बात करूंगा। आप कितने सालों से सब्जी मंडी व्यापार कर रहे हैं? लगभग 12 साल हो गए, और छोटे मोटे जितने भी व्यापारी है सब्जी मंडी पे निर्भर है, और लगभग 80-90 से लाइसेंस शुदा दुकानें भी है, और हमारे इंदिरा कॉलोनी वार्ड संख्या 27 में पड़ता है, कृषि मंडी क्षेत्र और हाईवे के समीप पड़ता है। बेचारे जितने भी गरीब लोग है, पुराने लोग है, उनका एक ही धंधा ये सब्जी मंडी पे निर्भर है। अब रोजी रोटी उनके आधार, ये रोटी रोजी रोटी कमा रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो एक ही आधार है। और वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस बनेगी या दूसरी भी कोई भी ऑफिस बन सकती है, अलग अलग आ रहे हैं, हमेशा योजना आ रही है, जिला बनाया था अलग अलग ऑफिस भी बनेगी, लेकिन ऑफिस से तो बनेगी। आज आप विरोध प्रदर्शन करना है सब्जी मंडी को लेकर, आपकी सब्जी मंडी में क्या बनने वाला है, आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ कुछ कार्यालय बन रहे हैं? अभी देखो, आगे मेरे साथी ने कहा है कि गाड़ी आई थी और हम वहाँ खड़े थे, तो हमको शक हुआ कि भाई कुछ न कुछ होने वाला है, तभी हमको पता चला, थोड़ी बहुत हमको भी खबर मिली, इस इशारे पर हम यहाँ आए। अच्छा, आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम विरोध प्रदर्शन करने आए, अगर वहाँ से कृषि मंडी की या सब्जी मंडी की जगह से हमको हटाया गया तो हम हमारे बीवी बच्चे औरतें बच्चे बूढ़े सबके साथ में बैठ के वहाँ कुछ भी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर भी हमारा ये समस्या हल नहीं हुई तो हम जान तक देने को तैयार है। इन व्यापारियों का कहना है कि हमारी सब्जी मंडी को उजाड़ दिया जाए और वहाँ पे कोई सरकारी कार्यालय खोल लिया गया तो हम वहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे और उधर आंदोलन करेंगे, लेकिन हमारी सब्जी मंडी को नहीं छोड़ेंगे। ओम प्रकाश चौधरी, नर्मदा नगरी, सांचौर।